पाकिस्तान प्रीमियर लीग मैच आज, जैसे कि आज सही फाइनल मैच है पिशावर वर्सेस इस्लामाबाद, जो कि होने वाला है भाई 9:30 या 10:30 के करीब। क्यों होने वाला है? क्योंकि इनका रोज़ा चल रहा है। तो फिलहाल देखो भाई, पिच रिपोर्ट तो आप सबको पता ही है, कराची में मैच है, लास्ट टाइम मैच हुआ है, यहाँ बैट्समैन भी इंजॉय करते हैं और बॉलर भी, और तो यहाँ पे एवरेज स्कोर होता है आपका 150 के ऊपर ही होता है और ठीक ठाक पिटाई भी होती है। तो फिलहाल देखो, विकेट कीपर में है आज़म खान, जो कि भाई ठीक ठाक ही है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, देख सकते हो आप। फिलहाल एक और है हसीद बुल्ला, ये कि मेरा फेवरेट था जब ओपनिंग करता था। फिलहाल तो मैं अभी हैरिस पिक कर रहा हूँ, क्योंकि हैरिस फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन आएगा और ये थोड़ा बैटिंग भी बढ़िया कर लेता है, तो इसलिए मैं पिक कर रहा हूँ। आप चाहो तो हैरिस की जगह आज़म खान को प्रेफर दे सकते हो, ठीक है ना भाई? जो क्रक्स तो खेल लेना छोड़ो, बैटिंग की तरफ चलते हैं। बाबर आजम, जो कि लेना ही लेना है, प्लस कप्तान वाइज का दावेदार है, क्योंकि आप हर मैच में देख सकते हो परफॉर्मेंस इसने किया है, हर मैच 50 से ऊपर पॉइंट देखे जा रहा है, तो बहुत तगड़े फॉर्म में। रोवन पावल भाई, ये भी अच्छा बैट्समैन है, लास्ट मैच में उतना खास किया नहीं, मगर हर मैच में आपको 30 से 40 पॉइंट देता हुआ दिख रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, ले सकते हो। एलेक्स हेल्स भाई, एलेक्स हेल फर्स्ट बैटिंग करती है इस्लामाबाद, तो प्रेफर कर सकते हो एलेक्स हेल को, प्लस अभी तो फॉर्म उतना खास है नहीं, तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा। टॉम कॉलर काटवोर भाई, इसका भी 19-20 का ही चल रहा है, मतलब इतना खास भी नहीं है। मार्टिन अपटी ले सकते हो, क्यों ले सकते हो? क्योंकि इसको मैचेस खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और लास्ट मैच खेला है इसी ग्राउंड पे और 75 पॉइंट दिए और अच्छी इनिंग खेल के गया है, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ। एच अली हैदर अली जो भी है, एक ही है, उतना खास तो करानी है, बैटिंग ऑर्डर भी डाउन और तो कोई है नहीं। फिलहाल देखो, ऑलराउंडर की जगह साइन अयूब लेना ही लेना है, प्लस कप्तान वाइज का दावेदार है, क्यों? तो क्योंकि आपको 4 ओवर प्लस ओपनिंग करता हुआ दिखेगा, तो लेना ही लेना है। शादाब खान, ये भी सेम ही है, कप्तान वाइज का दावेदार है, बैटिंग प्लस बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। आगा सलमान भाई बैट्समैन है, स्टार्टिंग में इससे बॉलिंग करवा रहे थे 7-8 मैच पहले, 6 से 7 मैच पहले, अब ये प्रॉपर बैटिंग कर रहा है, तो ओवर तो डाल लेना, इसलिए कप्तान वाइज का दावेदार नहीं है। आज़म जमान ले लेंगे, क्यों ले लेंगे? ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हुआ दिखेगा, तो शानदार प्लेयर है, लेना ही लेना। फ़हीम भाई, फ़हीम भी पिक कर सकते हैं, क्यों पिक कर सकते हैं? क्योंकि रीसेंट फॉर्म भाई तगड़ी है, इसने जो 5-4 मैच खेले ना, 4 मैच में 50 से ऊपर पॉइंट दिए, तो मैं इसलिए ले रहा हूँ। ईमान वसीम भाई, इसकी भी फॉर्म आ गई है, इसके भी आप 4 मैच देख लो, मतलब टीम जीत रही है, तो इस फ़हीम और इसका योगदान है। पील वाउटर, जो कि मेरा फेवरेट गेंदबाज है भाई, इसको इससे मुल्तान कह रहा हूँ, पिशावर 4 ओवर पूरे डलवाएगी ना, ये भाई 3 से 4 विकेट ले जाएगा, 4 ओवर डलवाते नहीं है, क्या करें, जिस दिन डालेगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। लाल गेंदबाजी की तरफ चलते हैं। लुक वॉर्ड भाई, सबसे इम्पोर्टेंट गेंदबाज, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता हुआ दिखेगा और इम्पोर्टेंट गेंदबाज है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। और ये भी मैं दिखा देता हूँ कि इस्लामाबाद के खिलाफ इसने कुछ किया है, लास्ट एक विकेट ले गया था, उससे पहले एक विकेट, मतलब हाँ 1-2 विकेट आपको लेता हुआ दिखेगा। नसीम साहब भाई, लेना ही लेना है, क्यों लेना है नसीम साहब को? क्योंकि ये भी भाई फॉर्म में है, हर मैच में 1 से 2 विकेट प्लस थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, सबको पता। और इशाद भाई, इशाद का मैं बता दूँ, इशाद भी भाई डेथ में डालता है, 2 ओवर 2 ओवर पावर प्ले में। और मैं आपको दिखा देता हूँ एच हुसैन का भी ये है कि भाई लगातार 1-1 विकेट ले रहा है। मुमताज भाई, ये भी थोड़ा ठीक ठाक ही है स्पिनर, ये भी विकेट लेता हुआ दिख रहा है एक मैच को छोड़ के। फिलहाल टेविस मिल्स, एमजी सेन, जबरखिल मेरा फेवरेट गेंदबाज है, जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में है, देख सकते हो आप भाई। उकाओ तो गेंदबाज बढ़िया, आप सबको पता है मेरा फेवरेट गेंदबाज है वेस्ट इंडीज का है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, बहुत ही तगड़ी स्लोवर डालता है बैक ऑफ द हैंड, जो कि मुझे पसंद है, तो मैं हो सके इसको भी ले सकता हूँ। फिलहाल तो मैं अभी सेव जा रहा हूँ, लुक वॉर्ड और नसीम शाह को प्रेफर कर रहा हूँ। और ये जो मैंने 3-4 ऑलराउंडर इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनमें भी एक आधा चेंजेस में कर सकता हूँ। फिलहाल देखो, कप्तान वाइज का मस्ट चॉइस बाबर आजम की आ रही है भाई 31%, शादाब खान की 25 और शाइन अयूब की 19, मतलब इससे पता चल रहा है कि भाई अच्छे खासे ऑप्शन है। फिलहाल तो मैं अभी शादाब खान को कप्तान बना रहा हूँ और वाइस में बना रहा हूँ शाइन अयूब को,
अब मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, बाबर आजम को भी प्रेफर दे सकता हूँ। फिलहाल प्रेडिक्शन टीम तैयार है। देखो विकेट कीपर से हमने हैरिस लिया, बैटिंग से बाबर आजम और मार्टिन गप्टिल भी है, शाइन आयु अपना वाइस है, शदाब खान है, आगा सलमान है, जमाल है, फहीम है, मोहम्मद वसीम है, लुकवॉर्ड है, निसीम शाह है। फिलहाल प्रेडिक्शन टीम आप सबके सामने है। फाइनल टीम टेलीग्राम पे लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना है। मिलते हैं फाइनल टीम के साथ। ओके गाइस।